गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दिवाकर कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मेडिसिन रिव्यू। कोरोना काल में हम सभी आधे अंधे हो जाएंगे। कैसे फ्रेंड्स, हम सभी मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर का यूज़ पहले से कई गुना ज़्यादा कर रहे हैं। आज से 5 मंथ्स पहले जो लोग मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर का यूज़ नहीं करते थे, वे लोग आज मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप का यूज़ करने लगे हैं। यह हमारी मजबूरी भी है और हमारी ज़रूरत भी बन गई है। कोरोना के कारण सभी काम ऑनलाइन हो रही है। स्कूल, कॉलेजेस सब बंद हैं, ऑफिस तक बंद है। बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं और जो लोग ऑफिस में काम करते थे, वे लोग आज घर में बैठकर लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल के थ्रू काम कर रहे हैं। इन सभी के बीच सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी आँखों को हो रही है। लोग और बच्चे ज़्यादा काम और आँखों को बचाने के लिए कई प्रकार के आई ड्रॉप्स और जेल का यूज़ कर रहे हैं, जो कि कितना सुरक्षित है हम सभी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी कारण मैं आपके सामने लेकर आया हूँ शहद, यानी कि हनी। कैसे आप शहद का यूज़ करके अपनी आँखों की देखभाल कर सकते हैं? फ्रेंड्स, शहद जो है बहुत ही अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल का। अगर आपको आँखों में किसी प्रकार की समस्या है, जैसे आँखों में खुजली, दर्द, सूखापन या किसी प्रकार का संक्रमण, तो शहद इसमें काफ़ी मददगार साबित होगा और आपकी समस्याओं को दूर कर सकता है। शहद को गुनगुने पानी में मिलाएं और उसे सोने से पहले अपनी आँखों को अच्छे से धो लें। इससे आँखों की ड्राइनेस, लालमी और खुजली आदि की समस्याएं दूर हो जाती है। अगर आपको आँखों के नीचे फूलापन हो गया हो, जैसा कि लंबे समय से कंप्यूटर या लैपटॉप और मोबाइल या फिर नींद पूरी ना होने के कारण होता है, तो शहद की कुछ बूंदे को डालकर मसाज कर लें और 10 मिनट के बाद नॉर्मल पानी से धो लें। शहद आँखों में करकराहट होती हो या फिर आँखों में खुजली, तो शहद लगाने से खुजली और करकराहट दूर हो जाएगी। अगर आपको आँखों में किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है, तो शहद को गुनगुने पानी में मिलाकर और कॉटन बॉल से उसे आँखों के ऊपर लगाएं। इससे आँखों का संक्रमण जल्दी ठीक हो जाएगा। शहद आँखों की मांसपेशियों को भी स्वस्थ बनाता है और आँखों की रोशनी भी कमज़ोर होने से बचाता है। शहद में कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो आँखों के नसों को स्वस्थ बनाता है, जिससे हमें लंबे समय तक चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। शहद आपको ग्लूकोमा से भी बचाता है। शहद को डायरेक्टली आप आँखों में लगा सकते हैं, पर ध्यान रहे शहद में किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।